गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज यूनिट वन का लास्ट चैप्टर चैप्टर नंबर फोर शुरू करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सेंस ये होता है कि कोई भी फैमिली और कपल्स अगर रिप्रोडक्टिव लाइफ गुजार रहा है तो उसका रिप्रोडक्टिव लाइफ बेहतर तरीके से गुजरे और उसके रिप्रोडक्टिव लाइफ में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहने का सेंस क्या हो जाता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सेंस होता है इट इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल फिटनेस दैट ए पर्सन कैन लीव ए सेफ एंड हाइजीनिक रिप्रोडक्टिव लाइफ। ये हुआ रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों जरूरी है अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहले हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेंगे तो बात आएगा सिग्निफिकेंस का कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं। सबसे पहला सिग्निफिकेंस आ जाता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मेल और फीमेल्स दोनों ही इस बात को जाने कि किस तरीके से एक स्वस्थ और सुरक्षित रिप्रोडक्टिव लाइफ गुजारी जा सकती है। दूसरा, लोगों को इस बात से अवगत कराना, लोगों को इस बात से जानकारी देना कि किस तरीके से लोग अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। कई तरीके के डिजीज होते हैं विच इज नोन एज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज विच कैन स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल इंटीमेसी, उस डिजीज से कैसे बचा जाए, तो ये सब बातें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के फर्स्ट सेक्शन में आता है जिसको आदमी कहता है सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अब आता है इसका सबसे पहला टॉपिक विच इज नोन एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। भारत एक ऐसा देश है जहां रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात की जाती है तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और इस प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन राइज करता है कि हिंदुस्तान में, भारत में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आएंगे जो रिप्रोडक्शन से संबंधित होंगे। तो सबसे पहला जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम और स्ट्रेटजीज है इसमें हम लोग बाइफर्केट करेंगे और पहला आएगा प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट सेक्शन जो है हम लोग का प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम इसमें हम लोग देखते हैं टैबू। टैबू का सेंस क्या होता है? टैबू का सेंस जो है वो निगेटिव में आता है, निषेधात्मक आता है, हराम के भी सेंस में आ सकता है। यानी कि भारत एक ऐसा देश है जहां रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में अगर बात की जाए तो लोग इसको बुरा समझते हैं, लोग इसको गलत समझते हैं। इससे भारत में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टॉपिक्स पर बात करना टैबू माना जाता है। दूसरा इसमें आता है अर्ली मैरिज। भारत एक ऐसा देश है, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां काफी कम उम्र में शादी हो जाती है जिससे बहुत सारे जो कम एज के बच्चे होते हैं उनमें अलग अलग तरह के बीमारीज डिजीज आ जाता है और उससे उनमें डिफॉर्मिटीज पैदा हो जाती है। नेक्स्ट, जब कम उम्र में शादी हो जाएगी तो उनको कम उम्र में ऑफस्प्रिंग यानी औलाद भी प्राप्त होंगे, औलाद भी पैदा हो जाएंगे। इस तरीके से वो उम्र जिस उम्र में वो खुद बच्चे हैं एक पेरेंट्स हो जाते हैं, दैट मीन्स थर्ड पॉइंट इज किड्स पेरेंट। पॉइंट नंबर हम लिखते जा रहे हैं अर्ली मैरिज। किड्स शादी के बाद आमतौर पर बहुत सारे कपल्स का करियर स्टॉप हो जाता है, उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, वो फैमिली को चलाने के लिए सोचते हैं, अब अपना करियर बनाने के बारे में नहीं सोचते हैं। खास करके हिंदुस्तान में
लेडीजों का, महिलाओं का, फीमेल्स का कैरियर एकदम स्टॉप हो जाता है। कैरियर के बाद आता है टीन एज लेडी, टीन एज लेडी के बारे में बात की जाए कि पुबर्टी के बाद जब कोई महिला फीमेल्स 12 से 18 साल के दरमियान की होती है तो उस एज को हम लोग टीन एज बोलते हैं। और ये वो एज है जिसमें फिजिकली वो फीमेल्स, वो लेडी इस तरीके से रेडी और तैयार नहीं हो पाती है, उसके ऑर्गन्स इतने वेल डेवलप्ड और मैच्योर नहीं होते हैं कि वो किसी फोटस को कंसीव कर सकें। और इस एज में अगर फोटस कंसीव हो जाता है तो उनके सेहत पर बुरा असर पड़ता है। दैट मीन्स टीन एज लेडी जो है वो फिजिकली प्रेगनेंसी के लिए और फोटस को बियर करने के लिए फिट नहीं होती है। नेक्स्ट आता है 6 नंबर में MMR और RMR। MMR का सेंस होता है मैटरनिटी मॉर्टलिटी रेट। कहने का सेंस ये हो गया कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महिलाओं में, फीमेल्स में जो मौतें होती हैं वो शिशु को जन्म देने में होता है, बच्चे की पैदाइश करने के दरमियान होता है। इसलिए MMR और IMR भारत में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक आया इसका 7वां नंबर, पर्सनल हाइजीन रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स और जेनिटेलिया का सही तरीके से साफ सफाई रखना, स्वच्छ रखना, बेहतर से इसको क्लीन करना, सफाई रखना ये जरूरी है। इस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है जिससे जनरल ट्रैक में डिजीज होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट है हेल्थ ऑफ लेडीज। हेल्थ ऑफ लेडीज का मतलब ये हो गया कि जब इनमें फोटस कंसीव हो जाता है तो बहुत तरीके से ये कई बीमारी और कई डिजीज में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि वो एज अगर कम एज की लड़कियां हैं तो वो सही तरीके से फोटस कंसीव नहीं करेंगी। अगर एज पूरा है तो वो अपने हेल्थ के बारे में उतना नहीं सोचती हैं। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब इन प्रॉब्लम्स को दूर कैसे किया जाए, इन प्रॉब्लम्स को हटाया कैसे जाए, तो भारत सरकार ने इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमेशा से बहुत सारे स्ट्रेटजीज और प्लानिंग को परफॉर्म किया है। 1951 में 1951 में फैमिली प्लानिंग नाम से प्रोग्राम आया, उसके बाद ये आगे जाके अमेंड हुआ और इसको नाम दिया गया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं STRA स्ट्रेटजीज की बात किया हमने, तो 1951 में फैमिली प्लानिंग आया, फिर ये आगे जाके अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट करने के बाद इसका नाम रखा गया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। और इसके 3 गोल हुए, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इसके 3 मेन मकसद, 3 मेन गोल सामने रहे गए। पहला मकसद था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, किसी भी फैमिली में जो कपल्स हैं उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेहतर बनाया जाए। दूसरा, उनके जो ऑफ स्प्रिंग है, चाइल्ड है, उनके सेहत को अच्छा किया जाए, चाइल्ड केयर, बच्चों की देखभाल सही तरीके से हो सके। और नेक्स्ट फर्टिलिटी रेगुलेशन, उनमें सही तरीके से फर्टिलिटी हो, एक खास समय अंतराल बताया जाए ताकि उससे उस दौरान उस समय अंतराल में उस टाइम पीरियड में फीमेल्स के बड़ी दूसरे फोटस को, दूसरी प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए अपने आप को मैच्योर कर सके। तो 1951 में जो नाम था उसका नाम था फैमिली प्लानिंग और ये अमेंड होकर के 1997 में आया, 1997 में। उसके बाद भी बहुत सारे स्ट्रेटजीज और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिस जो आसानी से रिपोर्टेड हेल्थ के बारे में नॉलेज और जानकारी देते रहते हैं।
स्ट्रेटजीज में अगर देखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट आता है जनरल अवेयरनेस, यानी लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना। और अवेयर और जागरूक करना किस लिहाज से, रिपोर्टिंग के लिहाज से, इसके लिए बहुत सारे ऑडियो और विजुअल एड की मदद ली जाती है। जगह जगह एडवर्टाइजमेंट होता है, टीवी पर प्रोग्राम आते हैं जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज शामिल होते हैं और रिपोर्टिव हेल्थ के बारे में बताते हैं। दूसरा आता है पॉइंट इसमें एल्डर्स, जनरल अवेयरनेस, एल्डर्स घर के बड़ों का, स्कूल के टीचर्स का और बड़े भाई बहनों दोस्तों का ये फर्ज होता है कि वो छोटों को सही नॉलेज दें रिपोर्टेड हेल्थ के बारे में। नेक्स्ट आता है सेक्स एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन का मतलब ये हो गया कि सिलेबस में, कुरिकुलम में सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ाया जाए ताकि लोग, ताकि जो नए बच्चे हैं वो इसको सही तरीके से समझ सके और हमारा समाज, हमारा सोसाइटी एक एजुकेटेड सोसाइटी के फॉर्म पर डेवलप करे। नेक्स्ट फैमिली वेलफेयर, इंफॉर्मेशन लोगों को परिवार के छोटे आकार के बारे में, दो बच्चों के दरमियान में डिफरेंसेस के बारे में बताया जाए और तरह और अलग अलग मींस के जरिए, अलग अलग वे के जरिए उनको अपने परिवार के वेलफेयर के बारे में समझाया जाए, ये स्ट्रेटजी बनाई जाती है। नेक्स्ट अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, लोगों को पॉपुलेशन के बढ़ते हुए, पॉपुलेशन के बढ़ते हुए कारण को समझा करके उसके हार्मफुल इफेक्ट को बताना चाहिए कि जो पॉपुलेशन इतना तेजी से राइज कर रहा है, इतना तेजी से बढ़ रहा है, इससे क्या क्या परेशानी आएगी, इससे बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, ये सब डेवलप करेगा। नेक्स्ट आया सोशल इवेल्स, सेक्स एब्यूज और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स जो है उससे क्या परेशानी और क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इनके बारे में लोगों को जानकारी देना चाहिए। मैरिजेबल एज, भारत में मैरिजेबल एज कानून बता दिया गया है, लड़कियों की उम्र 18 साल और लड़कों की उम्र 21 साल होनी चाहिए, इसी एज के बाद ही शादी होनी चाहिए, इससे मिनिमम एज में शादी करना कानूनी है, इसलिए लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि इस एज के बाद ही शादी किया जाए। इसके बाद आया हम लोगों का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अब इतनी देर से जब आबादी बढ़ रही है तो आबादी के बढ़ने से जो लोग जमा हो रहे हैं उसका क्या क्या इफेक्ट होगा, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसको एक सर्वे के अनुसार हम लोग स्टडी करेंगे, हम लोगों का एक सर्वे बताता है कि 1901 में जब सेंसस हुआ, जनगणना हुआ, 1901 में सेंसस और जनगणना के आधार पर हम लोगों ने देखा कि भारत की आबादी उस वक्त सिर्फ 2 बिलियन थी और आजादी के वक्त 350 मिलियन या 3.5 बिलियन। तो इससे पता चलता है कि आजादी के वक्त हिंदुस्तान की आबादी, अगर इसको हिंदी इंडियन सिस्टम में बोलें तो 35 करोड़ था और अभी आबादी 130 करोड़ से ज्यादा है। तो इस तरीके से जो राइज हुआ आबादी में, आबादी जो इतनी तेजी से बढ़ी 70-80 साल के दरमियान में 35 करोड़ से 130 करोड़, दैट मीन्स लगभग 100 करोड़ आबादी जो बढ़ गई, तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इससे पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है और पॉपुलेशन को कंट्रोल करना कहलाता है बर्थ कंट्रोल। तो सबसे पहले सेंस होगा कि व्हाट द रीजन बिहाइंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन के ग्रोथ के पीछे कौन कौन सी वजह थी, कौन कौन से रीजन थे। रीजन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ,
सबसे पहले इसका रीजन रीजन जो होता है वो कहलाता है डिक्लाइन इन डेथ रेट, DECLINE, डिक्लाइन इन डेथ रेट, डिक्लाइन इन डेथ रेट का मतलब ये हो गया कि आजादी के बाद मेडिकल साइंस में काफी तेजी से तरक्की हुई और मेडिकल साइंस ने इस तरक्की को एक्सेप्ट करते किया जिससे लोगों की मृत्यु में कमी आई और लोगों की मृत्यु कम हुई जिससे आबादी बढ़ी। दूसरी बात यह है कि स्लो डिक्लाइनिंग बर्थ रेट यानी कि पैदाइश के रेट में भी कमी आई लेकिन जिस हिसाब से डेथ रेट में कमी आया था उस हिसाब से पैदाइश के रेट में कमी नहीं आई थी तो आबादी बढ़ी। नेक्स्ट आया लॉन्गर लाइफ स्पैन, पहले के लोग आमतौर पर सवाल पूछा जाता है कि पहले के लोगों का लाइफ स्पैन ज्यादा था या कम था, तो बहुत सारे बच्चे बता देते कि पहले के लोग ज्यादा दिन जिंदा रहते थे क्योंकि वो इस बात को देखते हैं कि जो जिंदा बच गए उनकी लाइफ बता रहे हैं। लेकिन पैदाइश की बात अगर हम लोग करते हैं तो जब कोई पैदा होता है तो वो मरता भी है और हम लोग एवरेज लाइफ स्पैन की बात कर रहे हैं तो पहले कोई बीमारी आती थी प्लेग और भी बहुत सारे महामारी रोग, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि COVID-19 कोरोना वायरस फैला हुआ है पूरी दुनिया में, बहुत ज्यादा मौतें हो रही हैं। उसी देखो से पहले ऐसी बीमारी जिसका आज इलाज हो निकल चुका है वो सब बीमारी पहले महामारी का रूप लेती थी और वो बीमारी किसी गांव में किसी शहर में आया पूरा गांव शहर मर जाता था तबाह हो जाता था। उस हिसाब से अगर हम लोग एवरेज लाइफ निकालते हैं तो पहले के लोगों का एवरेज लाइफ लगभग 32 से 35 साल था जबकि आज के लोगों का एवरेज लाइफ 65 ईयर्स है और पहले के लोगों का एवरेज लाइफ 32-35 ईयर्स था। तो जब एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ गया तो ऑब्वियसली यहाँ जमीन पर रहने वाले लोगों की आबादी भी बढ़ी। नेक्स्ट आया अर्ली मैरिज, अर्ली मैरिज का मतलब ये हो गया कि कम उम्र में जब शादी हो जाती है तो कम उम्र में शादी हो जाने से जो रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाता है, उसके बढ़ने से बच्चों की पैदाइश भी ज्यादा होगी जिससे ज्यादा बच्चे पैदा होंगे। नेक्स्ट रिलीजियस थॉट और रिलीजियस बिलीफ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और भारत की बात करते हैं तो भारत सर्वधर्मी है यानी भारत में सभी धर्म को समान नजर से देखा जाता है और भारत में कई धर्म हैं और सभी धर्म में ऐसी मान्यताएं हैं जो यहाँ ज्यादातर पाए जाते हैं कि बच्चे ईश्वर की देन होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स जो है वो गॉड के ब्लेसिंग्स हैं, इसलिए गॉड की तरफ से आया है तो हम लोग इसको रोक नहीं सकते हैं, इस बिना पर भी पॉपुलेशन राइज करता है। नेक्स्ट चाइल्ड लेबर, बहुत सारे परिवार और बहुत सारे तबके कबीले और कह सकते हैं कि लोगों का सोच ये है कि घर में जितने ज्यादा बच्चे रहेंगे उनको उनसे आमदनी उतना ज्यादा होगा। अगर मान लिया जाए घर में एक बच्चा है और वो काम करके 20,000 रुपये कमाता है तो वो उसके 20,000 को देखेंगे कितना कमा रहा है 20,000, जबकि घर में 5 बच्चे हैं और वो 5 बच्चे 5,000 रुपये कमा रहे हैं तो उस घर में 25,000 आ रहा है, वो ज्यादा कमा रहा है। ये नहीं देख रहे कि 5 मिलकर 25 कमा रहा है, तो जितना ज्यादा बच्चा उतना ज्यादा हाथ काम करने के लिए उतना ज्यादा आमदनी, ये सब बातें आती हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए वजह बनती है। लॉन्गर लाइफ स्पैन के बाद हमने बताया आपको अर्ली मैरिज, फिर बताया गया आपको रिलीजियस बिलीफ, फिर बताया गया आपको चाइल्ड लेबर, जितने ज्यादा बच्चे उतना ज्यादा हाथ उतना ज्यादा काम उतना ज्यादा पैसा चाइल्ड लेबर में। रिलीजियस बिलीफ खुदा की ईश्वर की भगवान की देन है बच्चे, अर्ली मैरिज कम उम्र में शादी होगी रिपोर्टिव लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा जिससे
जिससे बच्चों की संख्या ज्यादा होगी। अब जब आबादी काफी तेजी से बढ़ रही तो इसका कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा। इसका असर क्या होगा? इसका असर यह होगा कि जमीन पर बोझ बढ़ जाएगा, यानी प्रेशर ऑन लैंड, प्रेशर ऑन लैंड, प्रेशर ऑन लैंड, जमीन पर प्रेशर बढ़ेगा। कैसे? तो जमीन पर प्रेशर बढ़ेगा किस तरीके से? खाने के लिए ज्यादा जमीन चाहिए, रहने के लिए ज्यादा जमीन चाहिए, काम करने के लिए इंडस्ट्री चाहिए उसके लिए जमीन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जमीन चाहिए, सड़क बनाने के लिए जमीन चाहिए। तो ये हो गया पॉइंट नंबर वन, प्रेशर ऑन लैंड। दूसरा सलंस, जब जमीन की कमी होगी तो लोग एक ही जैसे इलाके में, एक ही घर में पांच पांच छह लोग रहेंगे, एक बिल्डिंग्स में, एक मॉडल में लोगों की संख्या ज्यादा होगी, जिससे सलंस डेवलप करेंगे। सलंस के बाद नेक्स्ट आ जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट, अनईएमपीएलओवाईएमईएमटी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। एक का एक जॉब के लिए कई फॉर्म्स, कई एप्लीकेशंस गिरेंगे, उसके बाद भी जॉब मिलने की गारंटी है कि नहीं ये नहीं पता चलेगा, तो बेरोजगारी बढ़ेगा। नेक्स्ट आया गरीबी, पॉवर्टी। जब आबादी बढ़ेगी तो पर कैपिटल इनकम जो है वो घटेगा, जिससे गरीबी राइज करेगा। जब गरीबी के बाद अब आ जाएगा हम लोग का रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, फूड की जरूरत भी राइज करेगी, फूड की जरूरत भी राइज करेगी। उसके बाद पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से, पॉपुलेशन यानी सॉरी पॉल्यूशन, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा तेजी से, पॉल्यूशन राइज करेगा, प्रदूषण बढ़ेगा। नेक्स्ट इकोलॉजिकल चेंज, इकोलॉजिकल चेंज का मतलब हो गया पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी असंतुलन। आप देख रहे हैं मौसम में किस तरह तब्दीली आ रहा है, दो दिन गर्मी पड़ती है फिर बारिश हो जाता है। दैट मींस कि मौसम, वेदर, क्लाइमेट अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, और जब क्लाइमेट अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा है तो इससे यह पता चल रहा है कि इकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। अब इन सब चीज के लिए लोगों को मोटिवेट करना होगा कि वो आबादी को कंट्रोल करें, और लोगों को जनसंख्या पॉल्यूशन, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बर्थ कंट्रोल। इसके लिए सरकार कई कदम उठा रही है, जगह जगह लोगों को बातें समझाना और एनजीओ के जरिए काम कर रही है। और इसके एक अपने स्लोगन्स हैं, वी टू आवर्स टू, हम दो हमारे दो, ये स्लोगन्स दिया गया है। इसके बाद भी बहुत सारे काम किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। इसके लिए कंट्रासेप्टिव को अपनाने के लिए कहा गया है। कंट्रासेप्टिव होता क्या है? कंट्रासेप्टिव वैसे डिवाइस है जिसके जरिए प्रेगनेंसी को टेम्पोरली और परमानेंटली स्टॉप किया जा सकता है। कंट्रासेप्टिव के लिए जो कैरेक्टर्स और क्राइटेरिया बताया गया है कि इसकी क्या क्या खासियत होनी चाहिए, तो कंट्रासेप्टिव की खासियत में ये आइडियल कंट्रासेप्टिव की बात अगर करेंगे तो यूजर फ्रेंडली यूज करना आसान होना चाहिए, रिवर्सेबल होना चाहिए, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये सब इसके कैरेक्टर्स बताए गए हैं। कंट्रासेप्टिव इस्तेमाल जब करते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि कपल्स को प्रोटेक्शन लेना होगा, और कंट्रासेप्टिव इस्तेमाल करने प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो कंट्रासेप्टिव है उसमें दो पार्ट, दो बातें सामने आती हैं। एक बात यहाँ सामने आती है कि अगर हम किसी नेचुरल मेथड, नेचुरल विधि इस्तेमाल करें जिसके जरिए पॉपुलेशन को आसानी से रोका जाए, इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल डिवाइस, दवा, सब्सटेंस लेने की जरूरत नहीं होती है। इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल मेथड, और नेचुरल मेथड में वह तरीका अपनाया जाता है जिसके जरिए आसानी से आबादी को, आसानी से प्रेगनेंसी को रोका जा सके। इसके तीन बेसिक मेथड्स हैं, नेचुरल
कॉन्ट्रासेप्टिव्स और नेचुरल मेथड की बात अगर करते हैं तो बर्थ कंट्रोल करने के लिए जो तरीका बताया जा रहा है, जो मेथड बताया जा रहा है, उसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक नेचुरल मेथड और एक आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड के तीन सब पार्ट है। पहला पार्ट कहलाता है सेफ पीरियड। सेफ पीरियड वैसी एक्टिविटीज और वैसा फिनोमिनन है जिसमें जिस दौरान फीमेल्स में ओवुलेशन होता है, उस दौरान कपल्स आइदर हस्बैंड और वाइफ आपस में सेक्सुअल एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं करते हैं, दैट मींस दे कैन नॉट परफॉर्म ओवुलेशन। और ये वक्त क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फॉलो होता है उसमें 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन तक के टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं सेफ पीरियड। अगर इस पीरियड के दौरान कोई कपल्स सेक्सुअल इंटीमेसी दैट इज कॉपुलेशन ऑफ पार्टनर्स को परफॉर्म नहीं करेगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करेगी। दूसरा है विड्रावल मेथड। विड्रावल मेथड वैसा मेथड है जिसमें मेल अपने पेनिस को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से विड्रॉ कर लेता है, बाहर निकाल लेता है उस वक्त जब स्पर्म को डिस्चार्ज होना होता है, तो जिससे स्पर्म फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में डिस्चार्ज नहीं होगा और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करेगी। तीसरा मेथड जो बताया गया है उसका नाम है लैक्टेशनल एमोरिया। लैक्टेशनल एमोरिया का मतलब होता है कि अगर कोई फीमेल्स ने बच्चे को जन्म दिया है तो उसको चाहिए कि अपने बच्चे को वो अपना ही दूध पिलाए 6 महीने तक कम से कम। और ये बायोलॉजिकली और मेडिकली भी बताया जाता है कि माँ को 6 महीने तक बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहिए क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा नॉरिशिंग सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो इस एक्टिविटीज के परफॉर्मेंस से वुमेन फीमेल में किसी भी प्रकार का कोई ओवम नहीं बनता है, यानी ओवुलेशन की एक्टिविटीज रुक जाती है फर्स्ट 6 मंथ तक, जिससे 6 मंथ तक फीमेल्स में ओवम जब नहीं बनेगा तो वहां प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं करेगा। इसके सेकंड मेथड जो है वो है आर्टिफिशियल मेथड, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। थैंक यू।